आइए दोस्तों, आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगो मीडिया। और इस लिंगो टीवी जंगो मीडिया में आज हम बात करेंगे धनित्तर जड़ी बूटी विद्या के बारे में। और धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में आज हम आपके लिए एक लेकर के आए हैं विशेष जड़ी बूटी। और यह विशेष जड़ी बूटी हमारी धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में कई अनेकों बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। तो मैं आप ज़्यादा ना कहते हुए वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कोई भी भाई हमारे लिंगो टीवी जंगो मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारे हर वो आने वाली नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और हमारी रहस्यमयी धनित्तर जड़ी बूटी विद्या की गुण और उसके ज्ञान आपको मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए हमारा एक जड़ी बूटी है, ये इसको अब जड़ी भी है और बूटी भी है। ये देखिए ये इसको हरजोड़ कहते हैं, हरसंघारी कहते हैं, हरसंघारी बोलते हैं इसको। देखिए ये हरसंघारी है, इसका उपयोग पशु या मानव दोनों में इसका उपयोग बीमारियों में किया जाता है। पहला तो इनका जो उपयोग हड्डी में अगर किसी भी प्रकार से तकलीफ है, दुख है, पीड़ा है, हड्डी की परेशानी है या फिर हड्डी फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गया है, तो इसकी ये जो पूरा ये बेला नुमा रहता है ना, इसका पत्ती होता है ना, इसका कुछ नहीं होता है, सिर्फ बेला नुमा होता है। इसको इधर से ऐसे काट के ले जाओ, लगा लो, ऐसा रहता है, ये उग जाता है पत्थर में ही है। ये पत्थर चट्टा जो पत्थरा हरसंघारी बोलते हैं इसको, पत्थर हरसंघारी, इसका उपयोग हड्डी टूटने पर किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग अगर पशु हो चाहे महिला हो, उनके शरीर में गोरस की कमी है तो भी इनका उपयोग किया जाता है। अब इनका उपयोग का जो विधि है यह है कि अगर किसी का हड्डी फ्रैक्चर है तो इसको पीस लीजिए, पीस के इसका अर्क निकाल के उस अर्क को नित प्रतिदिन उसको एक कप आधा कप जाना पड़ेगा। और जो बचेगा उनका ये जो उसका जो छाला बचेगा, उनको फिर जहाँ टूटा हुआ है वहाँ हल्का से गर्म करके वहाँ पे इसको लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हड्डी टूटने पर इसका उपयोग किया जाता है। पशु में भी इसका उपयोग किया जाता है, बांधा जाता है, और मानव में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, अगर किसी को गोरस की कमी है, दूध की कमी है, पशु हो चाहे कोई हो, इसको आप ले जाइए, काट के चूर्ण बना लीजिए, और चूर्ण बनाने के बाद इसको आप नित प्रति उनको एक चम्मच की मात्रा में पिलाइए, उनकी जो शरीर में गोरस की मात्रा है या फिर कैल्शियम की मात्रा है वो दूर हो जाएगी। इस प्रकार से एक छोटा सा ये बेला नुमा या जो जड़ी बूटी है, इसका हमारे धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में इस प्रकार से इसका उपयोग है। दूसरी बात, इसका साइड इफेक्ट की बात, तो इसमें किसी भी प्रकार से साइड इफेक्ट नहीं होता है, या फायदा ही करेगा, नुकसान कभी नहीं करेगा। ज़्यादा इसकी मात्रा में कम ज़्यादा होने पर भी ये आपको रिएक्शन नहीं करेगा, साइड इफेक्ट नहीं करेगा। और इसका उपयोग बवासीर की परेशानी में भी करते हैं, खूनी बवासीर है तो भी इसका उपयोग सेम चूर्ण बना के एक चम्मच चूर्ण को एक कप पानी में घोल के पीना है। इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं पुनः सादर सादर सेवा जोहार। जय फ्रापेन, जय गुणवाना, जोहार। छीन के लेंगे अपना हक।